हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिनिंग वर्ल्ड। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन रिंग ट्रैवलर स्पीड कैलकुलेशन। रिंग ट्रैवलर स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी सब स्पिनिंग वाले को मालूम है रिंग ट्रैवलर क्या है और कहाँ रहता है, कैसे होते हैं। इसके बारे में अभी एक छोटा सा नोट्स डिस्कशन करेंगे। रिंग ट्रैवलर इज द मोस्ट टाइनी एंड सिंपल मैकेनिकल एलिमेंट इन रिंग फ्रेम। रिंग ट्रैवलर रिंग फ्रेम में सबसे छोटा और सरल मैकेनिकल एलिमेंट है। इट हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द यार्न क्वालिटी ऑफ यार्न प्रोड्यूस्ड एज द रिएक्शन फिजिकली टर्न्स द रॉ मेटीरियल इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। उत्पादित यार्न की गुणवत्ता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका क्रिया भौतिक रूप से कच्चे माल को तैयार उत्पन्न में बदल देती है। सो रिंग ट्रैवलर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिंग स्पिनिंग सिस्टम। इसलिए रिंग ट्रैवलर रिंग स्पिनिंग सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्राफ्टिंग जोन के अंदर से निकलते आया हुआ यान लैपेट गाइड के अंदर से रिंग ट्रैवलर के अंदर से आके बोबिन में वाइंड होते हैं। वाइंड होते वक्त रिंग ट्रैवलर रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। इधर स्पिंडल के ऊपर घूमता हुआ बोबिन में यार्न वाइंड होते हैं, मगर रिंग ट्रैवलर के मदद से वाइंडिंग संभव होते हैं। रिंग ट्रैवलर रिंग के ऊपर घूमते रहते हैं। रिंग ट्रैवलर का जो स्पीड है स्पिंडल का स्पीड से कम रहते हैं। वो कम कितना कम रहते हैं? फ्रंट रोलर से जो माल आते हैं, धागा का डिलीवरी होते हैं, वो डिलीवरी बोबिन के सर्कमफ्रेंस के अंदर वाइंडिंग होते हैं। तो डिलीवरी और वाइंडिंग, उसका जो लैगिंग, उसका स्पीड वेरिएशन के अंदर का जो लैगिंग है उसमें वाइंडिंग होने का टेंशन क्रिएट करते हैं। अभी रिंग ट्रैवलर का फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ रिंग ट्रैवलर। सबसे पहले नंबर वन, ट्रैवलर इम्पार्ट्स ट्विस्ट टू द यार्न। सूत को ट्विस्ट प्रदान करते हैं। सेकंड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइंडिंग द यार्न ऑन टू द कॉर्क। यह सूत को बॉबिन पर लपेटने के लिए जिम्मेदार है। इट डिफाइंस स्पिनिंग टेंशन। यह स्पिनिंग यार्न टेंशन को डिफाइन करते हैं। स्पिनिंग होते वक्त यार्न का बेलूनिंग होते हैं। बेलूनिंग के अंदर से टेंशन क्रिएट होता है और ये जो टेंशन है यह रिंग ट्रैवलर के ऊपर डिपेंड है। फोर्थ वन इज इट डिफाइंस वाइंडिंग टेंशन। ये वाइंडिंग टेंशन को डिफाइन करते हैं। बोबिन के ऊपर कितना टेंशन में वाइंड होना चाहिए वो भी रिंग ट्रैवलर के ऊपर डिपेंड है। अभी हम रिंग ट्रैवलर के स्पीड कैसे कैलकुलेट करेगा उसके बारे में देखने जा रहा है। जैसे हमको मालूम है लेंथ लंबाई को है, वेट को यूनिट है। लंबाई का यूनिट क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड, मीटर, किलोमीटर, यह सब लंबाई का यूनिट है।
अब वेट का यूनिट क्या है, ग्रेन, ग्राम, आउंस, पाउंड, किलोग्राम, ये सब वेट का यूनिट है। ऐसे ही स्पीड को भी एक यूनिट होना चाहिए है। स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ स्पीड्स आर मीटर्स पर सेकंड, अने एक सेकंड में कितना मीटर्स किया हुआ है। सेकंड इज मीटर्स पर मिनट, एक मिनट में कितना मीटर्स गया है। किलोमीटर्स पर आवर, एक घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ है। ये कॉमन स्पीड यूनिट्स है। नाउ ट्रैवल स्पीड वी कैन कैलकुलेट इन मीटर्स पर सेकंड। अभी देखते हैं ट्रैवलर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट है। पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग विंग ट्रैवलर स्पीड्स आर वन स्पिंडल स्पीड, सेकंड टीपीआई, थर्ड बोबिन डाया, फोर्थ रिंग डाया। अब रिंग ट्रैवल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिंग ट्रैवल स्पीड इज रिंग ट्रैवल स्पीड इज इक्वल टू स्पिंडल स्पीड माइनस स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाय टीपीआई डिवाइड बाय बॉबिन डाया इन इंचेस डिवाइड बाय 3.14। इस आंसर को इंटू मल्टीपल करना है रिंग डाया इन मिलीमीटर इंटू 3.14 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 39.37 डिवाइड बाय 25.4। अब रिंग ट्रैवलर स्पीड स्पिंडल स्पीड से कम रहते हैं। रिंग ट्रैवलर स्पीड कितना कम होता है स्पिंडल स्पीड से, वो मालूम कैसे होगा। उसके लिए स्पिंडल लैग कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पिंडल लैग कैलकुलेट करने के लिए फ्रंट रोलर डिलीवरी से बॉबिन सर्कमफेरेंस डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेगा, स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाय टीपीआई, फ्रंट रोलर डिलीवरी इन इंचेस पर मिनट मिलते हैं, उससे बॉबिन सर्कमफेरेंस डिवाइड करना है। उसके लिए क्या करना है, बॉबिन डायमीटर इन इंचेस लेके इंटू पाई करेगा तो बॉबिन सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाय टीपीआई, ये आ गया फ्रंट रोलर डिलीवरी इन इंचेस पर मिनट डिवाइडेड बाय बॉबिन सर्कमफेरेंस किया तो हमको स्पिंडल लैग कितना है वो मालूम पड़ेगा। ये मालूम होने के बाद स्पिंडल स्पीड से जितना लैगिंग हुआ वो माइनस किया, तभी हमारा रिंग ट्रैवलर स्पीड का कैलकुलेशन का आरपीएम मिलते हैं। अब रिंग ट्रैवलर रिंग के ऊपर ही घूमता है, तो रिंग के ऊपर कितना स्पीड में घूमता है वो मालूम होने के लिए हमको जो मिला हुआ आंसर से रिंग डाया मल्टीपल करना पड़ेगा। तो रिंग डाया और पाई, तभी रिंग का सर्कमफेरेंस मिलता है। रिंग डाया इन मिलीमीटर इंटू 3.14 इज पाई। उसके बाद 60 डिवाइड करना है, तो 60 इसलिए डिवाइड करते हैं, अभी जो हमारा आंसर अभी तक जो आया वो मिनट में है, हमको आंसर स्पीड यूनिट सेकंड में लाना है, तो इसलिए 60 डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो आंसर हमको जो मिलने जा रहा था वो इंचेस में था, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए
39.37 से डिवाइड करते हैं। अब रिंग डाया हम मिलीमीटर में लिया हुआ है, हमको इंचेस में लेना है, तो मिलीमीटर को इंचेस में करने के लिए डिवाइड बाय 25.4 करना है। अभी ये जो इक्वेशन पूरा कैलकुलेट किया तो हमारा रिंग ट्रैवलर स्पीड इन मीटर पर सेकंड में मिलेगा। फिर से देखेंगे क्या फॉर्मूला है। रिंग ट्रैवलर स्पीड इन मीटर पर सेकंड इक्वल टू स्पिंडल स्पीड माइनस स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाय टीपीआई डिवाइड बाय बोबिन डाया इन इंचेस डिवाइड बाय 3.14। इस आंसर को इनटू रिंग डाया इन मिलीमीटर इनटू पाई, पाई इज 3.14 डिवाइड बाय 64 कन्वर्टिंग इन सेकंड डिवाइड बाय 39.37 for converting in meters divided by 25.4 is converting from millimeter to inches। अभी इसी पैरामीटर को एग्जाम्पल के लिए हम एक एक वैल्यू देते हैं और देखते हैं हमारा कैलकुलेशन में आंसर क्या आता है। एग्जाम्पल स्पिंडल स्पीड 18,000, टीपीआई 22, बॉबिन डाया 1 इंचेस एंड रिंग डाया 38 मिलीमीटर। अब कैसे इसमें मतलब वैल्यू डाला तो कैसे आएगा, स्पिंडल स्पीड 18,000 माइनस स्पिंडल स्पीड 18,000 डिवाइडेड बाय टीपीआई 22 डिवाइड बाई बॉबिन डाया इन इंचेस 1 डिवाइड बाय 3.14। इस आंसर इनटू रिंग डाया 38 mm इनटू 3.14 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइड बाय 39.37 डिवाइड बाय 25.4। अभी इसका आंसर आया है 18,000 स्पीड माइनस जो सेकंड इसका वैल्यू आएगा 260.57, वो क्या हो गया 18,000 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3.14 वो है 260.57 इनटू द थर्ड पोर्शन इज रिंग डाया 38 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 39.37 डिवाइड बाई 25.4। इसका आंसर आया 0.001989। अभी अगेन इसका आंसर आएगा 17,739.43 इंटू 0.001989। इसका जो आंसर फाइनल आंसर आया रिंग ट्रैवलर स्पीड इन मीटर पर सेकंड इक्वल टू 35.28। अभी इस पैरामीटर्स वैल्यू को हम अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया तो अपना मशीन पे जो चलता हुआ रिंग ट्रैवलर स्पीड कितना है वो मालूम पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।